ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल में। सतीश शर्मा, दोस्तों, क्या ऐसा कुछ है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऊर्जा या एनर्जी है जो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है? मेरा मानना है बिल्कुल है। आज हम सब, मैं, आप, पूरी दुनिया एक तनाव के माहौल में, स्ट्रेस के माहौल में, चारों तरफ जहां पे सिर्फ और सिर्फ तनाव है, चारों तरफ बीमारी, भय का वातावरण, स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब हम पूरी तरह से 24 घंटा उसी भय के वातावरण में अपनी जिंदगी को हमेशा जी रहे हैं। पल पल रुपया है, पैसा है, लाइफ में बहुत सारी कंफर्टेबल चीजें हैं, बट हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ की ओर अग्रसर हैं। आज एक छोटा बच्चा भी आप देखेंगे तो बहुत जल्दी बीमारी के चपेट में आ जा रहा है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। हमने देखा है कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आता है, हृदय का, दिल का दौरा। आज से 30-40 साल पहले मैं कहूंगा ये कभी भी दिल का दौरा एक नॉमिनल बात या फिर कोई आम बात नहीं होती थी, लेकिन आज अगर हम आप सुनते हैं बहुत कि फलाने आदमी को हार्ट अटैक आ गया बहुत अर्ली एज में। आखिर क्या है इसका कारण, क्या है इसकी वजह कि लोग इतनी कम उम्र में बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। लाइफ में आज हमारे 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज हमें ज्यादा हमारे कंफर्टेबल, हमको कंफर्ट बना दी है। व्हाट्सएप, मोबाइल, लैपटॉप, क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेस और बीमारी भी उससे लाख कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट 20 इयर्स। मेरा मानना है कि ये सब सिर्फ इसलिए, इस सब सारी चीजों को, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारी आती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो नेचुरल, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कम होते जा रही है या फिर लॉक हो चुकी है। तो क्या है ये एनर्जी जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करे, हमारे लाइफस्टाइल को कंट्रोल करे, बीमारियों को कंट्रोल करे? दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, हमारी सारी इन बीमारियों को, लाइफस्टाइल को, या फिर हमारे जो ऊर्जा है, कॉस्मिक ऊर्जा है, वो 7 चक्रों में है, 7 चक्रास। जी हाँ, 7 चक्रा हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। हमारे शरीर में जो सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे गुदा के पास, एनस के पास है, जिसका कलर रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, जो हमारे शरीर के अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है, पृथ्वी तत्व को। अगर ये पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस नहीं है तो आपको हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कमर दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, या आपकी एनर्जी बहुत ही लो रहेगी, आप बहुत वीकनेस फील करोगे, या जरूरत से ज्यादा दुबले होगे, या जरूरत से ज्यादा मोटे होगे, अगर आपका पृथ्वी तत्व, मूलाधार अगर बैलेंस नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ठीक उसके ऊपर, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे, जस्ट 2 इंच ऊपर मूलाधार के, जननेंद्र के पीछे आता है स्वादिष्ठान चक्र। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र जो है ये हमारे शरीर के जल तत्व को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे वाटर एलिमेंट्स को, शरीर के वाटर एलिमेंट्स को। और अगर ये आपका ठीक से बैलेंस नहीं है तो आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि आपके खून के अंदर आयरन की कमी हो सकती है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये दोनों इम्बैलेंस हो सकते हैं, एनेमिया की कमी हो सकती है। और जो लोगों का बहुत ही ज्यादा अगर वीक हो जाता है तो उन्हें यूरिन इन्फेक्शन रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हो सकती है, लेडीज के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, ये तकलीफें हो सकती हैं। तो वाटर एलिमेंट्स जो है ये दोस्तों, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ पे इसका कलर या इस कॉस्मिक एनर्जी का कलर होता है ऑरेंज कलर, और इसका हील होना बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक इसके 2 इंच ऊपर है, पेट के पास, नाभि के आसपास कह सकते हैं, बेली बटन के पास, मणिपुर चक्र। दोस्तों, मणिपुर चक्र एक येलो कलर का चक्र होता है जो कि सोलार प्लेक्सस भी कहते हैं। मणिपुर चक्र पे हमारे सूर्य की ऊर्जा, हमारे
कॉस्मेटिक एंड जो एनर्जी बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी इतनी ताकतवर यहाँ पे रहती है कि शरीर की सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करती है, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, पैनक्रियाज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये अगर आपका हील है तो यकीन मानो दोस्तों आपका पेट से रिलेटेड आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज कभी भी नहीं होगी। और अगर आपका ये बहुत वीक है तो हमारे पैनक्रियास के ऊपर सीधा इसका इफेक्ट पड़ता है और बहुत जल्दी अर्ली एज में हमने देखा है लोग डायबिटीज शुगर के पेशेंट होते हुए। आईबीएस एक आम बीमारी होते जा रही है, आईबीएस इरिटेबल बॉल सिंड्रोम पेट से रिलेटेड बीमारी है जिनके वजह से लोगों की पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाती है, लोगों का वेट लॉस होता है और अपनी एनर्जी को पूरी ऊर्जा के साथ नहीं जी पाते। पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका मणिपुर चक्र वीक है। ठीक उसके ऊपर दोस्तों मणिपुर चक्र पे और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अग्नि तत्व है, हमारे शरीर का फायर एलिमेंट है जो कि येलो कलर की ऊर्जा को दर्शाता है। अब हम आते हैं चौथे चक्र के ऊपर जो फोर्थ एलिमेंट है। ये फोर्थ एलिमेंट दोस्तों है हमारे छाती के बीच में, हृदय के पास में, और इसका एक कलर है इस चक्र का ग्रीन कलर। दोस्तों ग्रीन कलर की ऊर्जा हमारे शरीर के वायु तत्व को दर्शाती है, यानी कि एयर एलिमेंट्स को दर्शाती है, और ये हमारे हार्ट को पूरी तरह से हील करता है, दोनों लंग्स को, दोनों फेफड़े को बहुत मजबूत रखता है। हमने कोविड 19 में देखा सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो लंग्स के ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर का एयर एलिमेंट वायु तत्व बहुत वीक है। तो अगर जिनका वायु तत्व बहुत वीक रहता है तो उन्हें लंग्स और हार्ट से रिलेटेड बीमारी बहुत जल्दी चपेट में ले सकती है। ये हमारे शरीर का फोर्थ एलिमेंट है। ठीक इसके ऊपर आते हैं, हमारे गले के पास होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र यानी कि हमारे बॉडी का स्काई एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट होता है जो हमारे सारे बाकी चक्रों को कंट्रोल करता है। अगर ये आपका बहुत ही पावरफुल है तो दोस्तों आपकी ऑरा बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, आप बहुत खुश मिजाज रहोगे, हैप्पीनेस रहेंगे, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, एंथुसियाज्म, आपका कम्युनिकेशन जो होगा, वोकल कम्युनिकेशन, बात करने की क्षमता वो बहुत ही इंप्रेसिव होगी। आप जहां पे भी जाओगे चारों तरफ आपकी पर्सनैलिटी एकदम अट्रैक्टिव होगी, नहीं होने वाला काम भी पूरी तरह से होगा। माता सरस्वती का यहाँ पे वास होता है और इस चक्र का जो कलर है वो है दोस्तों ब्लू, स्काई ब्लू कलर है जो हमारी सारी ऑरा को, द सेवन लेयर ऑफ आवर बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आते हैं सिक्स्थ एलिमेंट पे जो हमारे दोनों भावों के बीच में बिटवीन द आईब्रोज है, शरीर के हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिक्स्थ एलिमेंट, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यानी कि अंजना चक्र। दोस्तों अगर आपका एक बार अंजना चक्र बैलेंस हो गया तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। आपके साथ क्या होना है, कुछ अगर गलत भी होना होगा तो इसका आपको पहले से ही आभास हो जाता है और आप सतर्क हो जाते हैं। यू बिकम अलर्ट इफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग विथ यू, योर फैमिली, योर बिजनेस, योर फ्रेंड्स, एंड यू प्लान अकॉर्डिंगली, यानी कि आप अपनी प्लानिंग को उसके मुताबिक कर सकते हो। आज्ञा चक्र में आप समाधि के स्तर तक पहुंचने का एक जरिया है। यहाँ पे आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप भविष्य में होने वाली बातों को भी अनुभव कर सकते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है और आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हो। तो दोस्तों आज्ञा चक्र जो है, इस चक्र का अगर हील हुआ तो आपके अंदर इंट्यूशन पावर आ जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है सहस्रारा चक्र। दोस्तों सहस्रारा चक्र टॉप ऑफ द हेड है, सिर की चोटी के ऊपर है, और कहा जाता है ये चक्र जो है ये पूरी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को, पूरे यूनिवर्स को लेता है और आपको आपके शरीर के अंदर उस ऊर्जा को पूरी तरह से अडैप्ट करता है, जहां पे कि जैसे मैंने कहा कि समाधि के स्तर तक जाने का एक जरिया है। दोस्तों हमारे गुरु, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे वेद है, वेदांत, उस सब में इस बात का जिक्र कहा गया है कि सहस्रारा चक्र में हम शिव तत्व को, हम गुरु तत्व को, हम एक दैविक तत्व को प्राप्त करते हैं। अगर जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और आप जो काम कर रहे हो
उस काम के प्रति अगर आप पूरी तरह से मोक्ष के साथ सुख समृद्धि भरा जीवन आपको जो शरीर मिला है, अगर इस दुनिया में जब शरीर के साथ आए हो, जब आपने सांस लिया, जब सांस छोड़ के जब जाना होता है, तब अगर आपका ये सहस्रारा चक्र पूरी तरह से बैलेंस है तो आप पूरी तरह से मुक्त होते हो। आप मुक्त होते हो अपनी सारी बुरे कर्मों से, आप मुक्त होते हो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी से, और ये आत्मा यहाँ से तृप्त होके शरीर के साथ जाती है। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा मेरा सिर्फ एक वीडियो जहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सात चक्रा अगर आपकी बॉडी के बैलेंस है तो आपके पास हेल्थ, वेल्थ, पीस, हार्मनी और सुख भय भरा जीवन हमेशा आपके पास है। आपको बीमारियां बिल्कुल टच नहीं कर सकती। यू विल गोइंग टू लिव डिजीज फ्री बॉडी, पीस, हार्मनी, और अपने जीवन को आप अपनी इच्छाओं अनुसार जी सकते हो अगर आपका सात चक्र पूरा बैलेंस है। तो इस सेवन चक्र मेडिटेशन को सप्त ध्यान मेडिटेशन भी जो कहते हैं, जब भी मौका मिले आप इसे जरूर कीजिए और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, पीसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सतीश शर्मा योगा हेल्प में अपने आप को बनाए रखिए। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। दोस्तों जाने से पहले मैं फिर से एक बार कहूंगा कि इस कोर्स को जरूर कीजिए। ये 7 डेज का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए और इस सप्त ध्यान मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना कर तृप्त होके सुखमय, आनंदमय जीवन का लाभ लीजिए। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन इन द डिटेल बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।